चलिए तो हम लोग बात करते हैं, क्या क्या देख चुके हैं। समसमाय की घटना चक्र में राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, विधिक परिदृश्य देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, उसमें ए पार्ट देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विकरण देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख चुके हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चुनाव की एवं सत्ता परिवर्तन की, ठीक है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं भी देख लेंगे, ठीक, इसे खत्म कर देंगे हम लोग, आगे देखेंगे उसके बाद आर्थिक परिदृश्य बचेगा उसे बात करेंगे। तो चल ये शुरू करते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 16 नवंबर 2019 को श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे ने अपने प्रतिद्वंदी सजीत प्रेमदासा को पराजित किया कर दिया है। श्रीलंका पुदुजनम पेरामुना पार्टी के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे ने कुल 74,24,255 मत प्राप्त किए हैं, जबकि न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार सजीत प्रेमदासा ने 55,64,239 मत प्राप्त हुए थे। गोटाबाया पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई। 18 नवंबर 2019 को गोटाबाया राजपक्षे ने देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। गोटाबाया ने पूर्व मैत्रीपाला सिरीसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, याद रखिए गोटाबाया से पूर्व मैत्रीपाला सिरीसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव। 13 नवंबर 2019 को ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में ट्यूनीशिया के प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व प्रोफेसर काइस सईद ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 72.71% मतों के साथ राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नबील करोई को मिले लगभग 1 मिलियन मतों के मुकाबले 2.7 मिलियन मत हासिल किए। 23 अक्टूबर 2019 को पदभार ग्रहण कर उन्होंने मोहम्मद एन्नेसर अंतरिम राष्ट्रपति का स्थान लिया है। बात करते हैं कनाडा का संघीय चुनाव 2019 में हुआ। 21 अक्टूबर 2019 को कनाडा का संघीय चुनाव 43वां आम चुनाव संपन्न हुआ। कुल 338 सीटों में से वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने सर्वाधिक 157 सीटें प्राप्त की हैं। लिबरल पार्टी को कुल मतदान के लगभग 33% मतदान प्राप्त हुआ है। इस चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत 34.4% एनडीयू सीर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को हुआ है। इन्हें 338 सीटों में से 121 सीटें पर विजय प्राप्त हुई है। 20 नवंबर 2019 को जस्टिन ट्रूडो ने द्वितीय कार्यकाल हेतु कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जस्टिन ट्रूडो के नए मंत्रिमंडल में 5 भारतीय मूल के 4 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनमें अनीता आनंद, नवदीप बेंस, वर्दिश चक्कर और हरजीत सज्जन हैं। आगे बात करते हैं अल्बर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने। 27 अक्टूबर 2019 को अर्जेंटीना में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में न्यायवादी पार्टी के उम्मीदवार अल्बर्टो फर्नांडीज विजय रहे। फर्नांडीज को 48.1% मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी निर्वर्तमान राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को 40.4% मत प्राप्त हुए। अल्बर्टो फर्नांडीज 10 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। बात करते हैं इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 20 अक्टूबर 2019 को 58 वर्षीय जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली की है। 17 अप्रैल 2019 को इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था तथा चुनाव का परिणाम 21 मई को घोषित किया गया। आम चुनाव में जोको विडोडो को 55.5% मत प्राप्त करके राष्ट्रपति चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रभो सुबियांतो को 44.5% मत प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। विडोडो के साथ साथ 86 वर्षीय मारूफ
अमीन ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आगे बात करते हैं बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री हैं। 24 जुलाई 2019 को महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी के नवनियुक्त नेता बोरिस जॉनसन को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए हुए चुनाव में बोरिस जॉनसन ने जेरेमी हंट को पराजित किया है। 23 जुलाई 2019 को घोषित हुए परिणामों के अनुसार कुल 87.4% कंजर्वेटिव सदस्यों के ने मतदान किया है। इनमें से जॉनसन को 52,151 और हंट को 46,656 मत प्राप्त हुए। ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 24 मई 2019 को ब्रेक्जिट डील के विषय पर अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी थी। बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में गृह सचिव के रूप में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को शामिल किया गया है। जॉनसन की टीम में एक और भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा को भी स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य सचिव बनाया गया। 29 वर्षीय भारतीय मूल के ऋषि सोनक को ट्रेजरी मुख्य सचिव बनाया गया है। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं हरिकेन डोरियन। 27 सितंबर 2019 को बहामास में हरिकेन डोरियन का कहर रहा है। बहामास से टकराने वाला सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह देश के इतिहास में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा थी। इस हरिकेन ने बहामासा में तबाही मचाने के पश्चात अमेरिका के उत्तर की ओर बढ़कर कनाडा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात की। साफिर सिम्पसन स्केल पर इससे श्रेणी 5 के प्रमुख हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया गया। हिक्का चक्रवात सितंबर 2019 में अंतिम सप्ताह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिक्का ओमान के दक्षिण में सक्रिय हुआ। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव द्वारा सुझाया गया था। हिक्का ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर के विभिन्न स्थानों को लाभान्वित किया है। फिर चक्रवात फौनी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान फौनी भारत मौसम विभाग के अनुसार अंग्रेजी बदनी फनी हेतु उच्चारण फौनी 3 मई 2019 को ओडिशा के पूरी तट से 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। अप्रैल मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात का तीव्रता का चक्रवात दुर्लभ और असामान्य है। इस तूफान से मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विभाग ने इस चक्रवात को अत्यंत विचंड चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया है। उड़ीसा में तूफान के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। चक्रवाती तूफान फोनी का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया नाम है। फोनी का बंगला में शाब्दिक अर्थ है सर्प या सांप का फन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमें सूक्ष्म सृष्टि, यहाँ क्वेश्चन है कुछ उनके आंसर उन्हें भी देख लेते हैं। 16 अप्रैल 2019 को स्टार्टअप ब्लैंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान है 17वां। 9 जनवरी 2019 को ब्रिटेन की संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 41वां। 18 दिसंबर 2018 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 108। 10 दिसंबर 2018 को कटोप्सी पोलैंड में जर्मनाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को 11वां रैंक मिली है। भारत को कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक यूएई है। भारत मुख्य रूप से जामिया से आयात करता है तांबा। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका में हुए कई धमाकों की घटनाओं के पश्चात इस देश की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता नरेंद्र मोदी 9 जून 2019 को
जून 2019 में उत्तर कोरिया की यात्रा करने वाले पहले पदासीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 8 मार्च 2019 को प्रथम भारत जापान अंतरिक्ष संवाद आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। मार्च 2019 में श्रेणी 4 के उत्कृष्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात इडाई के कारण मोजाम्बिक में हुए नुकसान के बाद भारत ने मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान संचालित करने हेतु जिन 9 सैनिक पोतों को वहां भेजा वे थे INS सुजाता, INS शार्दुल, INS सारथी। वह देश जिसने अगस्त 2019 में सभी महिलाओं को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है सऊदी अरब। 14 अगस्त 2019 को भारत ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर प्रणाली हेतु संयुक्त राष्ट्र विशेष उद्देश्य न्याय विधि UN स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड के अंतर्गत योगदान किया है $5 मिलियन का। 9 जुलाई 2019 को इस देश ने वर्ष 2020 से अपने यहाँ से प्रस्थान करने वाले सभी नागरिक उड़ान विमान पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया। फ्रांस ने 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIL एवं अलकायदा प्रतिबंधित समिति द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया मोहम्मद मसूद अजहर अलवी को। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रमुखों की 27वीं शिखर बैठक वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। समूह में वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा रियाद सऊदी अरब में। 2022 में होगा याद रखिए भारत में। नवंबर दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित G20 के 13वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेरपा थे शक्तिकांत दास। वह संगठन जो वर्ष 2019 से अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है इस्लामिक सहयोग संगठन OIC AIBD का पूर्ण नाम है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। वर्तमान में AIBD की आम सभा का अध्यक्ष भारत है। जुलाई 2019 में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म क्वाक्वारेली साइमंड्स द्वारा जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची में द बेस्ट स्टूडेंट सिटीज ऑफ 2019 में 3 देश शामिल हैं लंदन, टोक्यो, मेलबर्न। पहले पर लंदन, दूसरे पर टोक्यो और मेलबर्न। 15 जुलाई 2019 को जारी विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2019 में नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व में इतने लोग भुखमरी की स्थिति में 820 मिलियन से अधिक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल में सबसे तेज निरपेक्ष कमी दर्ज की गई है भारत, कंबोडिया और बांग्लादेश में। टॉम यातायात सूचकांक 2018 के अनुसार यातायात के संदर्भ में विश्व का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है मुंबई भारत। कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, समग्र रूप से 152वां स्थान मिला हुआ। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान पर है मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका MIT। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व की जनसंख्या 7.7 मिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 8 जुलाई 2019 को ग्रीस के नए प्रधानमंत्री हैं काइरियाकोस मित्सोताकिस। 21 फरवरी 2019 को इक्वन में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। 9 फरवरी 2019 को इजराइल में संपन्न हुए 21वें नेसेट के चुनाव के बाद 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। मोरतानिया में लोकतांत्रिक ढंग से हुए प्रथम सत्ता हस्तांतरण के बाद 1 अगस्त 2019 को देश के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद अहमद ओल्दी गजोनी। ठीक, तो ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो चुका है पूरी तरह से। आगे बात करेंगे हम लोग आर्थिक परिदृश्य के बारे में। ठीक।